नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कोयला फिल्म के बजट और कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। कोयला सन 1997 में रिलीज हुई एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, अमरीश पुरी, जॉनी लीवर और दीपशिखा नजर आए थे। इस फिल्म को राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था और इसे प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया था। इस फिल्म को 275 स्क्रीन के साथ 18 अप्रैल सन 1997 में रिलीज किया गया था। तो चलिए जानते हैं फिल्म के बजट और कलेक्शन के बारे में। अगर बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 12 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 15 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन 1.6 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 5.52 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने 28 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म एवरेज साबित हुई थी। अगर बात करें कहानी की, तो इस फिल्म में शाहरुख खान ने शंकर का रोल निभाया था, तो माधुरी दीक्षित ने गौरी का रोल निभाया था, अमरीश पुरी ने राजा साहब का रोल निभाया था जो बचपन में शंकर के माता पिता को मरवा देता है और शंकर के मुंह पर कोयला डालकर उसे गूंगा बना देता है। फिर शंकर को राजा पालता है। बड़े होने के बाद शंकर और गौरी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। राजा साहब गौरी को पाना चाहता है और जब उसे शंकर और गौरी के प्यार के बारे में पता चलता है, तब वह गौरी और शंकर को मारना चाहता है। फिल्म कई टर्न ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ती है और बाद में शंकर को यह पता चल जाता है कि उसके माता पिता को राजा साहब ने ही मरवाया था और उसे गूंगा भी उसे नहीं किया था। तब वो अंत में उसका बदला राजा साहब को मार कर लेता है। वहीं बात करें एक्टिंग की, तो इस फिल्म में सभी ने अपनी एक्टिंग बहुत अच्छे से निभाई थी। नेगेटिव रोल में दिखे अमरीश पुरी ने इस फिल्म में अपनी एक्टिंग से जान डाली थी। वहीं बात करें म्यूजिक की, तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक राजेश रोशन ने दिए थे। इस फिल्म में कुल 6 गाने थे और फिल्म के गाने ठीक ठाक थे। इस फिल्म के गाने उतने हिट नहीं हुए थे जो आज भी लोग सुन सके। इस फिल्म का एक गाना घूंघटे में चंदा, बस यही गाना उस समय हिट हुआ था, जिसे उदित नारायण ने गाया था। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। 1, इस फिल्म के क्लाइमेक्स के एक सीन में शाहरुख खान के कपड़ों पर आग जलते रहता है और वे दौड़ते रहते हैं और इस स्टंट को खुद शाहरुख खान ने बिना बॉडी डबल के किया था। 2, इस फिल्म के लिए शाहरुख खान से पहले ये रोल सनी देओल को ऑफर हुआ था। 3, इस फिल्म में सोनाली बेंद्रे पहले लीड एक्ट्रेस के रोल में दिखने वाली थी, पर कुछ कारणों से उन्हें हटाकर माधुरी दीक्षित को फिर लिया गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन न्यूज अपडेट्स और रिव्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो के हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।